कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर होते ध्रुव पहला समान। एला बिल्कुल वेदाही पिक्चर ला देखें, कबर की ये कोई पिक्चर नहीं है, ये कोई कहानी या टीवी के बनाए हुए नहीं है, ये तो वाकई हर एक महिला के कहानी लगी सोला। सुमीर यवदपति परम स्नेह सुंदरकांड की ये पंक्ति के साथ और इस पिक्चर में दर्शाया गया प्रभु श्री राम जी के चरित्र को, माता सीता के चरित्र को। मेरे को ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, मैंने अभी तक ये मूवी 5 बार देख चुकी हूँ। जो महिलाओं की शक्ति है वो सारी इसमें दिखाई गई है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, सब कुछ। जो बचपना में मैं गुजरे हूँ ना, वो कहानी मुझे याद है। सबसे पहले तो पूरा टीम ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई फिल्म ही नहीं है, एक हर एक महिला की जिंदगी की एक है कि महिला जब से जन्म ले थे कांटों भरे जिंदगी से जीते, और अपन अपन तप अपन तपस्या से अपन परिवार और समाज पर बहुत कुछ करते। ये फिल्म में पूरा दर्शाया गया। ये वास्तव में एक मोला भी बहुत ज़्यादा रोना आ गया, खबर कि हम सब चीज़ गुजरत हैं, खबर कि ये छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की ये पिक्चर है, हर कोई लोग देखना चाहिए। और इमें ऐसे बहन के जो हर चीज़, एक माँ के फर्ज, एक बेटी के फर्ज, एक बहू जाए से पहले उगर का फर्ज होते परिवार ला सुधारना है, और जो गलत रास्ता में चले गए उला भी हम कैसे सुधार सकते हैं। वास्तव में कहे गए कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर होते ध्रुव पहला समान। तो ये महिला सशक्तिकरण के पिक्चर जो बने हैं, ये हकीकत हर एक महिला के एक कहानी छुपे है में, और एला छत्तीसगढ़ नहीं हर जगह एला पिक्चर ला देखना चाहिए। और मैं तो देख के बस पूरी टीम ला बहुत बहुत बधाई दूँ। शायद मोर बा पहली इतिहास में पहली बारे में कभी टाकिज में नहीं जाऊँ, लेकिन हमारे मानिकपुरी भैया हैं तो मैं आए रहे हूँ, और जब देखे हूँ ना तो जिंदगी की मोर बचपन के लेके अभी तक जो संघर्ष करते हुए महिला मल्ला आगे बढ़ाता हूँ, एकरे कान आगे बढ़ाता हूँ कि जिंदगी में आत्मनिर्भर बनो, अपन आप में इतना आगे बढ़ो और आप समाज ले भी बहुत कुछ दे सकते हो। बहुत बहुत बधाई, और हर एक जन बार बार मैं निवेदन करता हूँ, एला बिल्कुल वेदाही पिक्चर ला देखें, कबर की ये कोई पिक्चर नहीं है, ये कोई कहानी या टीवी के बनाए हुए नहीं है, ये तो वाकई हर एक महिला के कहानी लगी सोला। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा टीम ला बधाई के पात्र है। तृण धरी ओट कहत वैदेही सुमीर यवदपति परम स्नेह सुंदरकांड के ये पंक्ति के साथ और इस पिक्चर में दर्शाया गया प्रभु श्री राम जी के चरित्र को, माता सीता के चरित्र को, ये एक नारी कैसे अपने अंदर समाए और एक पुरुष भी भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को अपने अंदर समाए, ये भी ये पिक्चर में दिखाया गया है। देखो ये फिल्म एक ऐसे पिक्चर बने हैं वाला कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उनमें ये चीज़ दिखाई गई है कि परिवार ला कैसे संजो के रखना है, एक बिगड़े हुए बेटा कैसे रास्ता में आ जाए, जो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति परिस्थिति है, शराब की ओर आज के युवा ढकेले जाते वो तरफ होकर रुझान होते, तो वहाँ ये फिल्म के माध्यम से एक अच्छा सीन दिखाए कि ताकि आने वाला समय में समाज में एक ऐसे असर पड़े ताकि एक युवा सुधरे और परिवार ला संजो के कैसे वो युवा रख सके, ये सब चीज़ों में दिखाया। और एक नारी, एक लड़की, एक महिला अपन कर्तव्य ला परिवार के बीच, समाज के बीच और ये दुनिया के बीच कैसे रख सकते वो चीज़ें पिक्चर में दिखाए। बहुत अच्छा पिक्चर है, और मैं तो चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के जम्मू निवासी मोहल्ला की ये पिक्चर ला अवश्य देखे हो, कार कि एक कहीं ना कहीं महिला मन के सम्मान के बात है, महिला मन के और समाज के बीच में जो वो काम करते बोला एक पर्दा के माध्यम से समाज और एक दुनिया के बीच लाए के काम करते हैं। बहुत एक जिंदगी के किस्सा है ये, एक लड़की के माध्यम से, मतलब एक माँ, एक बहन, एक बेटी जो ये करते। कभी जिंदगी में ऐसी फिल्म नहीं देखी हूँ, जो बहुत अपन आपला ये समझा हूँ कि बहुत धन्य है वो भैया, बहुत अच्छा फिल्म बना है कि एक जिंदगी के पूरा ये ला दर्शा दे गए है कि एक बेटी ऊपर काबिज थे और एक बेटी कैसे, एक प्रेमिका कैसे अपन आपला मतलब संवार थे, अपन प्रेमिका प्रेमीला कितना अच्छा मस्त रास्ता दिखाते हैं। बहुत मस्त फिल्म, और फिल्म के पूरे जितने दीदी भैया मन है सब ला मैं बधाई देता हूँ, और चाहता हूँ कि हर इंसान फिल्म ला देखे और एक सबक ले। वैदेही मूवी बहुत ही अच्छी है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है सारे
सीजी वालों से कि भाई जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं भी आती है वो भी इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट सारे छत्तीसगढ़ के लोगों से है कि एक बार प्लीज़ प्लीज़ ये वाली मूवी ज़रूर देखें और आपको ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू बाकी मूवियों से। हाँ, लेडीज़ की सारी जो महिलाओं की शक्ति है वो सारी इसमें दिखाई गई है। एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, सब कुछ एक ही मूवी में मर्ज करके आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मेरे को ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, मैंने अभी तक ये मूवी 5 बार देख चुकी। छठी बार सिनेमा हॉल में मैं देखूंगी, मैं अंबुजा मॉल में जरूर देखूँ। मेरा नाम रीमा सचदेव है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु एक्सपर्ट और टैरो। और मेरे बहुत अच्छा लगी इस भाई के रोल करे हीरो, वो भी बहुत सही लगी इसे, और लड़की यानी कि लास्ट में वो भी बहुत सही लगी इसे। मगर इतना है कि वो बहुत रुला डाली इसे, लास्ट में पूरा रुला डाली, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुपर हिट है। पिक्चर बहुत अच्छा है, आदमी ला देखना चाहिए, ये देख के अपन जिंदगी में कई लोग उतार सकते हैं ना, तो यह बहुत अच्छा, मतलब सौभाग्य की बात है। अब ऐसे ऐसे जो सीन भी बता है ताकि वहाँ कॉमेडी भी कुछ है, एक लिए टाइम पास भी आदमी समझ सकते हैं, एम ज्ञान के बातें भी बताए गए हैं। ये दोनों तरफ से अगर लिया जाए तो बहुत अच्छा पिक्चर है, ज्ञानवर्धक पिक्चर है। अब हमारे छत्तीसगढ़ के तो मोला ये कह सका था सबसे अच्छा पिक्चर और हिट हो सकते हैं। पिक्चर तो बहुत अच्छा लगी से, एमा एक जो लड़का बिगड़े रही सोला सुधारी से, एक लड़की के हिसाब है जैसे लड़की वाला हिम्मत दिस, हौसला दिस, लेडी से आगे बढ़ाते सब जगह में, वो हिसाब वो जगह से ठीक है। पिक्चर बहुत अच्छा है, सब बार अच्छा है, लेकिन एक बात ऐसे है कि एकदम आखिरी के पिक्चर बहुत दर्दीला बने हैं। लड़की खिसा लड़की जो से कैंसर हो गए, बीमारी हो गए, फिर भी पिक्चर बहुत अच्छा लगी से, बहुत अच्छा है। फिल्म तो मोला ऐसे लगी से, एक तो अपन जीवन में जो बचपना में मैं गुजरे हूँ ना, वो कहानी मोला याद है। मोर माता पिता के जो गरीबी रही, वो लड़की जैसे गरीब रही और उसका डबल शादी हुई, कोई ऐसे गुजरे है मोर परिवार में, मोला वो दिन याद है कि आज वही मोर पर सामने दिखा थे ऐसे टाइप के। वे फिल्म तो ऐसे संस्कारी फिल्म है कि मैं पहली बार अपन जीवन में देखे हैं। वे दही के सीन बहुत ज़्यादा रोना रही और सीता वो जानकी के ओकर संकल्प, बस दो चीज़ मुला अच्छा लगी।